देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब यह घटना मेरे साथ घटी थी तो मुझे हिमाचल के हाईवे के बारे में ये पता नहीं था कि यह हाईवे इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह घटना है साल 2018 की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था। हम लोगों को मजे लेने में यह पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज चुके थे। रात के लगभग 11 बजे हम लोग उस होटल से निकले। जब हम उस होटल से निकले तो मेरे एक दोस्त नरेश ने मुझसे कहा, यार गाड़ी को अब संभाल कर चलाना, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद मैंने नरेश से पूछा, अरे ऐसा क्या उस रास्ते पर? तो नरेश ने मुझे बताने से मना कर दिया। उसने कहा, भूल कर भी गाड़ी को कहीं पर रोकना मत। नरेश जो कि एक ब्राह्मण परिवार से था, तो उसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों में काफ़ी विश्वास होने के साथ साथ ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखता था। हम वहां से थोड़ी दूर आगे गए ही थे कि तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के ऊपर मुझे एक काली काली परछाई नज़र आ रही थी, जिसके सर पर दो सींग भी थे। लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसे ही कोई परछाई होगी। लेकिन गाड़ी जब थोड़ी दूर और आगे गई, फिर भी वह छाया वहीं पर नज़र आ रही थी। उसके बाद जो नज़ारा मैंने सामने की तरफ देखा, तो उसे देखकर मानो मेरी तो रूह कांप उठी। इस बार वो परछाई मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब कार के साथ साथ एक बहुत ही भयानक सा जानवर हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे दौड़ रहा था। इतनी ज़्यादा गति होने के साथ साथ वह काफ़ी लंबा और बड़ा भी नज़र आ रहा था। और तभी अचानक से उसकी आंखें मेरी तरफ ही देखने लगी। उसके बड़े बड़े नाखून एक अलग ही खौफ पैदा कर रहे थे। तभी अचानक से मैंने अपने एक दोस्त को जगाया, जो कि नींद में था। जब मेरा दोस्त उठा और उसने चारों तरफ देखा, तो अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। सच में वह बहुत ही भयानक नजारा था जो मैंने अभी अभी देखा था, लेकिन अब वह उस जगह से गायब हो चुका था। इतनी जल्दी वह आखिर कहाँ पर चला गया? मैं यही सोच रहा था कि तभी अचानक से हमारी गाड़ी उन पहाड़ियों के बीच बंद पड़ गई। अब मैं नीचे तो उतरना चाहता था, लेकिन मेरे डर ने मुझे नीचे उतरने से मना कर रखा था। लेकिन किसी तरह मैं अपने दोस्त नीरज को लेकर नीचे उतरा। उसके बाद हमने अपने गाड़ी के बोनट को ओपन किया, तो हमें गाड़ी में कोई समस्या नहीं दिखी। लेकिन तभी कदमों के पटकने की आवाज़ ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। उसके बाद जब हम बहुत ही धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटे, तो हमने देखा कि वहाँ का सारा नज़ारा एकदम सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन फिर वो आवाज़ कहाँ से आई? हम यही सोच रहे थे कि फिर तभी अचानक ही जब हम लोग सामने की तरफ पलटे, तो मेरी तो मानो चीख ही निकल गई। मैं तो एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़ा, क्योंकि अब मैंने देखा कि हमारी गाड़ी के आगे वाला शीशा, जो पूरे तरीके से खून से रंगा हुआ था, उसे देखकर मेरी तो चीख निकल गई। साथ ही नीरज भी अब काफ़ी डर चुका था। उसके बाद हम दोनों आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी चीख सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी नरेश को हमारी चीख की आवाज़ें सुनाई देने लगी, तो वह जल्दी से उठता हुआ हमारे पास आया और बोला, अरे क्या हुआ तुम लोगों को? तो हमने उसे हमारे साथ घटी इस घटना का विवरण बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि वही राक्षस है जो कि हमारी गाड़ी के पहले साथ साथ भाग रहा था। मतलब वो कोई जानवर नहीं था, और नरेश ने हमें बताया कि वह एक ब्रह्म राक्षस है जो कि इस जंगल में वास करता है, और साथ ही इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की मौत का एक बहुत ही बड़ा कारण भी बनता है। अब हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ वही रास्ता था जो कि हमारे गाँव से होटल के लिए पड़ता था। अभी भी गांव से हम लोग लगभग 8 किलोमीटर दूर थे। उसके बाद नरेश ने हमें बताया कि अगर अभी उस ब्रह्म राक्षस से बचना है, तो हम उसे किसी भी प्रकार से ना दिखें तो ही ठीक होगा। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में आकर बैठ गए और गाड़ी को स्टार्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, और हमारी कोशिश सफल भी हो गई। उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हुई, तो मैं गाड़ी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। गाड़ी वहां से थोड़ी दूर तो आगे चली, लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने के बाद गाड़ी एकदम से एक बार फिर बंद हो गई। जब गाड़ी बंद हुई, तो मुझे इतना जोर का गुस्सा आया कि मैंने अपना मुक्का हैंडल पर दे मारा, जिस वजह से मेरे हाथ पर चोट लग गई। लेकिन गाड़ी का हैंडल भी अब टूट चुका था। मैंने अपने हाथों से अपनी मुसीबतों को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया,
मुझ पर मेरे दोस्त भी अब भड़कने लगे थे, लेकिन मैंने उन्हें किसी भी तरह से शांत किया और उसके बाद मैंने कहा, दोस्तों अब हमें यहाँ से पैदल ही चलना चाहिए और इस जंगली रास्ते को पार करना चाहिए। अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था, लेकिन तभी नरेश ने हमें कहा, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, अगर हम लोग गलती से भी बाहर निकल गए तो हम लोगों पर खतरों की लगातार संख्या बढ़ती जाएगी। उसकी बात मुझे भी ठीक ही लगी, क्योंकि वह ब्राह्मण परिवार के साथ साथ एक अनुभवी इंसान भी था। ऐसे में मुझे उसकी बात मानना ठीक ही लगा। हम लोग कुछ देर तक तो गाड़ी में ही बैठे रहे, मगर तभी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही बंद और चालू होने लगी, लेकिन गाड़ी के अंदर तो चाबी ही नहीं थी। चाबी मेरे हाथ में थी। सच में ये बात भी काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, मगर तभी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही बंद हो गई, लेकिन तभी हमारी गाड़ी पर किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ें आने लगीं। फिर नरेश ने हमें कहा, ध्यान रहे, तुम लोग भूलकर भी पीछे की तरफ मत पलटना। लेकिन जब मेरी नज़र कांच पर पड़ी तो मानो मेरा पूरा शरीर सुन्न ही पड़ गया। दरअसल मैंने देखा कि पीछे की तरफ बड़े बड़े दो सिंहों के साथ साथ एक बहुत ही भयानक सा जानवर हमारे बिल्कुल पीछे था। दिखने में वह जानवर काफ़ी सुखड़ा था, पर उसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते एक पेड़ को उसकी जड़ों से हिला कर रख दिया था। उस पेड़ को हिलाने के बाद उसकी नज़र सीधे मेरी तरफ पड़ी तो वह मेरी तरफ भागते हुए तेज़ी से आने लगा। उसके बाद नरेश ने मेरा सर पकड़कर मेरे घुटनों में दे दिया, जिस वजह से ही मेरी आंखें एकदम से बंद हो गईं। और उसके कुछ देर बाद जब मैंने ऊपर उठकर देखा तो इस बार मैंने देखा कि गाड़ी के आगे वाला कांच अब वहाँ पर नहीं है। जब मैंने इसके बारे में नरेश से पूछा तो नरेश ने कहा, उस राक्षस को कहीं पर भी कोई भी इंसान नज़र आता है तो वह उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है, और तुम उस कांच में नज़र आ रहे थे तो वह राक्षस उसे अपने साथ ले गया। मैं तो एकदम से हक्का बक्का रह गया कि मैं उसे अगर असलियत में दिख जाता तो फिर वह मेरी क्या दशा करता। उसके बाद मैंने गाड़ी से बाहर देखा तो मैंने पाया कि नीरज बाहर खड़ा होकर मुझे गाड़ी के बाहर बुला रहा है। मैं तो एकदम हैरान सा रह गया, क्योंकि अभी अभी तो नीरज गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, फिर वह अचानक यहाँ से बाहर कैसे चला गया। तभी मैं नीरज का नाम लेते हुए गाड़ी से बाहर उतरने वाला था कि तभी अचानक से नीरज ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई तू चिल्ला क्यों रहा है। मैं पीछे मुड़ा तो नीरज को देखकर मैं शोक में डूब गया, क्योंकि नीरज तो अभी भी वहीं खड़ा था। और यही बात मैंने नरेश को बताई तो नरेश ने मुझे बताया कि वह हैवानों का राजा ब्रह्म राक्षस है, जिसने हम तीनों को देख लिया है, लेकिन वह हमारी गाड़ी के पास नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी लोहे से बनी होती है। मुझे तो नरेश की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी कहानियां सुनी थी जिनमें कार के अंदर भूत भी लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन नरेश ने बताया कि वह एक राक्षस है, लेकिन अब हमें किसी भी प्रकार से यहाँ से बचकर तो निकलना ही था, लेकिन नरेश ने हमें मना कर दिया, इसलिए हम लोग अभी भी दिन होने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तभी एक दहाड़ने की आवाज़ ने मेरे शरीर के अंदर बिजली सी रौंद दी। दरअसल मैंने देखा कि सामने की तरफ वह भयानक राक्षस हमारी गाड़ी के सामने खड़ा होकर अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाकर दहाड़ रहा था। मुझे तो डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि डर के मारे मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, मगर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और फिर नरेश ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे कार के अंदर लिटा दिया। लेकिन अभी मुझे बहुत ही जोर का डर लग रहा था। तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक राक्षस, यानी कि वह ब्रह्म राक्षस मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं उससे डरते कांपते हुए पीछे खिसक रहा था। मैं एक जंगल में आ चुका था, पता नहीं कैसे, मगर उस जंगल में आने का कोई भी मुझे अता पता बिल्कुल भी मालूम नहीं था। लेकिन तभी मैंने देखा कि उस ब्रह्म राक्षस ने अपने बहुत ही बड़े बड़े नाखून मेरी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए, और उसके बाद देखते ही देखते वह मेरे करीब आ चुका था। अचानक उसने अपने दांत और बड़े बड़े नाखून मेरे पेट में एकदम से घुसेड़ दिए। मुझे दर्द तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरी चीख के साथ साथ मेरी आंखें खुल गईं। दरअसल ये मेरा सपना था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा एक दोस्त नहीं था, और साथ ही मेरा दोस्त नरेश बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद में जब मैंने नरेश से नीरज के बारे में पूछा तो उसने बताया कि नीरज का दिमागी संतुलन पूरे तरीके से बिगड़ चुका था। उसके बाद वो मुझसे जिद्दी करते हुए कार से बाहर निकल गया और फिर पता नहीं कहाँ चला गया।
लेकिन उसके चीखने की आवाज़ मुझे एक बार सुनाई दी थी। अब मुझे भी थोड़ा शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं नीरज उस ब्रह्म राक्षस के हाथों में लग चुका है, लेकिन तभी मैंने देखा कि चार पैरों वाला एक बहुत ही बड़ा जानवर हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा था, लेकिन उसके सामने नीरज खड़ा था जो उसके आगे भाग रहा था। यानी कि वह चार पैरों वाला जानवर कोई और नहीं बल्कि वही ब्रह्म राक्षस था। मेरे तो होश ही उड़ गए। सच में उस रात मेरा दिल पूरी तरह से दहल गया था, लेकिन जब तक हमारे साथ नरेश था तब तक हमें थोड़ा सुकून सा था, लेकिन अब हमारी बारी थी कि हम किसी भी तरह से अपनी दोस्ती को निभाएं, या फिर ऐसा कहें कि अपने दोस्त की जान बचाएं। मैं और नरेश बाहर निकले। हम पर खतरा तो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसके बाद नरेश ने अपने खुराफाती दिमाग का आइडिया लगाया, और उसके बाद पहले तो उसने गाड़ी से थोड़ा पेट्रोल किसी तरह से बाहर निकाला। पेट्रोल को बाहर निकालकर हमारी गाड़ी में से माचिस लेकर उसे जलाने लगा, और फिर उसको लेकर हम उस ब्रह्म राक्षस के सामने भागने लगे। तब जाकर मुझे समझ में आया कि आग के द्वारा भी ब्रह्म राक्षस को डराया जा सकता है। मगर मैं तो नरेश के पीछे भाग रहा था, इसलिए मेरे ऊपर उतना खतरा भी नहीं था, क्योंकि एक तो मेरे आगे मंत्रों का जाप करने वाला नरेश ही था, और ऊपर से उसके हाथ में आग जली हुई थी, इसलिए मुझे इतना डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन तभी मैंने देखा कि अब वह राक्षस नीरज के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है, लेकिन शायद आग की वजह से अब उस राक्षस की गति धीमी होने लगी। और उसके बाद जब नीरज हमारे पास पहुंचा, तो हमने देखा कि उसकी हालत में बहुत ही ज़्यादा अब खराबी आ चुकी है। एक तो उस जगह पर हमारे फ़ोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, और ऊपर से नीरज की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। लेकिन उसके बाद नरेश ने बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वह सिर्फ डरा हुआ है और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद उस राक्षस के नाखून की वजह से उसका पूरा शरीर झुलस चुका था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, और वह पूरी रात हमारे लिए एक डरावनी और हमारी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक रात साबित होने वाली थी। पूरी रात हम डरे और सहमे कार में ही बैठे रहे, मगर अंत तक किसी तरह सूर्य ने अपनी किरणों को ज़मीन पर आने दिया और हमारी जान को बचाने में हमारी सहायता की। सूर्योदय होते ही हम लोग बाहर निकले। फिर बाद में हमने अपना फ़ोन निकाला तो हमें पता चला कि फ़ोन अब नेटवर्क में आ चुका है। इसका मतलब फ़ोन में नेटवर्क न आना भी उस राक्षस की वजह से था। लेकिन जब मैंने नरेश को काफ़ी भला बुरा कहा कि तुमने हमें इस रास्ते से आने से मना क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि वो राक्षस किसी को ऐसे दखल नहीं करता, ज़रूर तुमने उसे देखा होगा, तभी वह हमारे पीछे पड़ा था। तभी मुझे याद आया कि मैंने उसे देखा था, और वह भी गाड़ी के साथ साथ भागते हुए। लेकिन उस दिन हम सुबह किसी भी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गए, लेकिन मुझे पता है वह रात मेरे लिए कितनी खौफनाक बीती थी। दोस्तों, हमें पता चला कि वहाँ पर उस ब्रह्म राक्षस का 23 सालों से वास है, मगर लोगों का कहना है कि अगर वह किसी इंसान को देख लेता है तो उसी रात उस इंसान को ख़त्म करके ही वो दम लेता है। मगर उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी और हमारे साथ नरेश था, वरना उस रात हमारी मौत भी शायद पक्की थी। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल सब कुछ सामान्य है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।